अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग क्लब। आज के सिलेक्शन में हम रिपीटेशन स्ट्रक्चर के दो कॉन्सेप्ट, फॉर लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप क्या होता है, तो इसका पहले सेंटेंस देखते हैं हम। फॉर लूप का सेंटेंस इस तरह से होता है कि फॉर लूप में हम लिखते हैं फॉर और फिर उसका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में तीन ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक इनिशियल कंडीशन, जिसमें हम इनिशलाइज करते हैं उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल की बेस पे हमें लूप चलाना होता है। यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं और यहाँ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं इसलिए ताकि लूप इनफाइनाइट ना हो जाए, लूप फाइनाइट रहे, एक फिक्स नंबर तक चले। और यहाँ अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं जो स्टेटमेंट हमने कंपाइल करवानी होती है। तो अगर हम इसके एग्जांपल प्रोग्राम देखें तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से टेबल बेसिकली शो करेगा। तो टेबल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़र से एक नंबर लेंगे। तो प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर अ नंबर to display table। तो जो भी नंबर एंटर करेगा उसको स्कैनर से हम परसेंट डी एंड एड्रेस ऑफ एक्स में शो करवा लेते हैं और इंटीजर टाइप का एक्स डिक्लेयर कर देते हैं। अब नंबर यहाँ एक्स में स्टोर है जिसका हमें टेबल शो करवाना है। और टेबल हम आपको पता है कि टेबल वन से स्टार्ट होता है और 10 तक होता है आमतौर पे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम जिसके बुनियाद पर लूप चलाएंगे। लेकिन वो डिक्लेयर करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर लूप में ये फैसिलिटी है कि आप फॉर लिखें, इंटीजर टाइप का एक वाई डिक्लेयर करें और वाई में इनिशियली 1 शो कर दें और वाई जब तक लेस देन रहे या इक्वल रहे 10 के तब तक लूप चलेगा और हर दफ़ा लूप में वाई प्लस प्लस हो जाएगा। अब लूप के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं यानी लूप 1 से शुरू होगा और 10 तक चलेगा और हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो कंट्रोल सबसे पहले यहाँ आएगा, इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर चला जाएगा, लूप को ऑपरेट करेगा, वापस आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। यानी ये जब तक लूप रन नहीं होता तब तक इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफ़ा चेक होगी और बाकी कंडीशन हर आइट्रेशन में चेक होगी और इंक्रीमेंट हर आइट्रेशन में होगा और हर आल्ट्रेशन में लूप की बॉडी भी एग्जीक्यूट होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल शो करना है। तो टेबल किसका शो करना है, एक्स का। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट एक्स। तो योर टेबल इज बैकस्लैश एन यहाँ पे लगा देते हैं अब यहाँ प्रिंट एफ लिखते हैं अगेन, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। और मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे टेबल का फॉर्मेट बनाना है। तो टेबल का फॉर्मेट किस तरह का होता है, सबसे पहले तो यहाँ परसेंट डी लिखते हैं ताकि जिसका टेबल शो करवाना है वो नंबर आ सके। फिर हम एक्स लिखते हैं जो कि आमतौर पे ज़रब के निशान को यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन को शो करता है। फिर यहाँ पे वाई लिखते हैं तो ताकि वाई के अकॉर्डिंग यानी पहले 1 से मल्टीप्लिकेशन होनी है, फिर 2 से, फिर 3 से। तो यहाँ परसेंट डी लिखते हैं ताकि वाई की वैल्यू आ सके। फिर यहाँ इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही आएगा और यहाँ फिर परसेंट डी लिखेंगे ताकि उसका रिजल्ट शो हो सके। और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट में हम पहले तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स, क्योंकि पहला परसेंट डी एक्स को इंडिकेट करता है, दूसरा वाई को इंडिकेट करता है तो कॉमा वाई, तीसरा एक्स प्लस वाई को सॉरी एक्स मल्टीप्लाई वाई को इंडिकेट करता है तो यहाँ एक्स मल्टीप्लाई पर वाई लिखिए। तो यहाँ पे पहला एक्स ये परसेंट डी वाई एंड परसेंट डी एक्स मल्टीप्लाई पर वाई। तो पहली दफ़ा जब आइट्रेशन होगी तो क्या प्रिंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स में स्टोर किया था 3, तो 3 1 इक्वल टू 3।
ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और अगली दफ़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये इसी तरह आइट्रेशन चलती जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ कि हर आइट्रेशन के बाद एक नई लाइन आ जाए, तो बैक स्लैश एन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब इसको कंपाइल करवाते हैं और इसको सेव भी करते हैं जी, फॉर लूप के नाम से सेव कर देते हैं। और ये कंपाइल होने के बाद मुझे पूछ रहा है कि एंटर नंबर टू डिस्प्ले टेबल, तो मैं यहाँ पे 20 का टेबल शो करवाना चाहता हूँ, तो 20 एंटर। तो योर टेबल इज, अब यहाँ पे योर टेबल इज भी हर दफ़ा प्रिंट होगा, यानी ये भी आइटरेशन में शामिल हो गया ना, इसलिए हर दफ़ा प्रिंट होगा। और ये एन भी एज इट इज आ रहा है, यानी हमारा टेबल शुरू हो रहा है यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ये टेबल इज ना हर दफ़ा आए, मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 19 का टेबल शो करवाता हूँ, तो 19, तो 19 वन ज़ार 19, 19 टू ज़ार 38, 19 थ्री ज़ार 57, और इसी तरह ये 10 तक शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ 12 तक शो हो, मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करनी है, इसको 12 तक कर देना, तो ये अब 12 तक शो होगा। 18 का शो करवाते हैं इस तरह, तो ये 12 तक शो हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास ये टेबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस तरह हम चाह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जी, और अब हमें ए टू जी से लेकर अल्फाबेट शो करवाने, तो ये करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल कंडक्टर टाइप का लेते हैं जो कि है एक्स ही कंसिडर कर लेते हैं, या सी एच यहाँ पे एक्स यूज कर देते हैं। और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें ए टू जी तक यहाँ पे ए बी सी प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और लूप के अंदर ही ये काम कर लेते हैं। करेक्टर टाइप का एक्स वेरिएबल है, उसमें स्टोर क्या करवा दिया हमने, ए स्टोर करवा दिया, और एक्स जब तक छोटा रहे या इक्वल रहे जी को, यानी ए हमने शो करवा दिया, और ये जब तक जी से इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये प्रिंटिंग होगी, और हर दफ़ा एक्स में प्लस प्लस करना है। और यहाँ अब हमें प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ की चीज़ को करवाना है, परसेंट सी कॉमा एक्स में जो वैल्यू पड़ी है उसको हर दफ़ा प्रिंट करवाना है। तो लेट्स कंपाइल एंड रन इट, चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं है इसमें। तो ए बी सी डी एफ जी एच आई एन सो ऑन, ये जी तक प्रिंट कर रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर लाइन में डिफरेंट आए, डिफरेंट करेक्टर आए, तो यहाँ न्यू लाइन ले लूँगा, तो एक करेक्टर एक ही लाइन में आएगा, और ए बी सी एन सो ऑन ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं, यहाँ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट टेक एन एग्जामिनेशन इन विच मार्क्स रेंज फ्रॉम 0 to 100 एंड राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द एवरेज मार्क्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल एंड 50 से बिलो वाले फेल होंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 100 मार्क्स। अब हमें एवरेज शो करवानी है, एवरेज मार्क्स क्लास के, और यहाँ 35 के बाद मैं 5 स्टूडेंट ले लेता हूँ, क्योंकि 35 में मुझे इनपुट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी 30 रिमूव कर देता हूँ, और क्लास के 35 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि लूप 35 तक चले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें इंटीजर टाइप का एक्स डिक्लेयर करता हूँ, जिसमें 1 शो कर देता हूँ, और एक्स जब तक छोटा रहे या इक्वल रहे 35 के लूप तब तक चलेगा, और एक्स में हर दफ़ा प्लस प्लस हो जाएगा। अब मेरा काम क्या था कि मुझे 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज शो करवानी है, तो एवरेज मार्क्स को शो करवाने के लिए मुझे जमा करना लाजमी है, सम करना लाजमी है। तो मैं सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स का स्टोर होंगे, जो यूजर्स हम लेंगे वो ऑब्वियसली हम शो करवा देते हैं किसी ना किसी वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स में शो करवा देता हूँ, इंटीजर टाइप का मार्क्स के नाम का वेरिएबल लिया, और यूजर को एक मैसेज दिया प्रिंटर
Please enter your class student mark. देखिएगा यूजर मार्क्स एंटर करेगा तो जो भी मार्क्स वो एंटर करेगा हम उसको लेंगे स्कैन करेंगे और उसको एड्रेस ऑफ यहाँ पे एड्रेस ऑफ मार्क्स में शो करवा देंगे। तो यहाँ पे जब यूजर मैसेज देखेगा तो वो मार्क्स एंटर करेगा और उसको हम मार्क्स में शो करवा देंगे। और मैं ही चाह रहा हूँ कि ये हर दफ़ा एंटर योर क्लास स्टूडेंट मार्क्स, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर दफ़ा ये प्रिंट अप और स्कैन अप यानी प्रिंटिंग प्रोसेस और स्टोरिंग प्रोसेस लूप के अंदर हो, यानी क्लास के पांच स्टूडेंट अप्लाई करवाते हैं, पांच दफ़ा प्रिंट अप स्कैन अप हो, पांच दफ़ा वैल्यू स्टोर हो और हर दफ़ा जब वैल्यू स्टोर हो तो सम के इक्वल सम को पुरानी वैल्यू लेके हम मार्क्स में जमा कर दें। और सम में बुनियादी तौर पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो इंटीजर टाइप का सम डिक्लेयर किया जिसमें बुनियादी तौर पर जीरो है और जीरो प्लस मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल पहले स्टूडेंट के मार्क्स थे 20, तो 20 प्लस जीरो इक्वल टू 20, तो यहाँ पे सम निकल आएगा ताकि हम लूप के बाहर आके एवरेज फाइंड कर सकें। तो इसीलिए सम हम कैलकुलेट करवाएंगे यहाँ लूप के अंदर। और उसके अलावा हम एक और काम करेंगे जो कि फेल स्टूडेंट्स हैं उनको देखेंगे और जो 100 स्कोर कर रहे हैं उनको देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ जो मार्क्स में वैल्यू आई है वो लेस देन है 50 से, अगर वो 50 से लेस है तो क्या करो फेल प्लस प्लस, यानी फेल एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और एक पास या आप किसको कह लें फुल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स का है वेरिएबल। दो वेरिएबल मैंने बना दिए, एक फेल बना दिया और एक फुल बना दिया। तो फेल में प्लस प्लस कब होना है, फेल में बुनियादी तौर पर क्या पड़ा हुआ है इसमें जीरो पड़ा हुआ है, फुल में भी बुनियादी तौर पर जीरो पड़ा हुआ है, लेकिन फेल में वैल्यू वन तब आएगी जब पहले स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम होंगे। इस दफ़ा जब लोग दूसरी दफ़ा चलेगा तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेंगे अब, तो दूसरे 50 से ऊपर होंगे तो फेल में प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई है, यानी कि फेल में प्लस प्लस तब होना है जब कंडीशन में ट्रू होना। और एक और कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि मार्क्स इज इक्वल टू 100, यानी अगर मार्क्स इक्वल टू हो जाते हैं 100 के तो फुल प्लस प्लस। इसमें क्या होगा कि जब लूप 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने के बाद लूप को टर्मिनेट करेगा तो फेल में जितनी वैल्यू होगी उतने बच्चे फेल हुए, पास में फुल में जितनी वैल्यू होगी उतने बच्चों ने फुल मार्क्स लिए। और एवरेज निकालने के लिए लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे यहाँ पे ए वी जी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 35, क्योंकि 35 स्टूडेंट्स हैं तो 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स के सम को 35 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ योर एवरेज ए परसेंट बी एंड यहाँ पे ए बी जी। और उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा फेल और यहाँ लिखूँगा फुल और यहाँ मैसेज में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी योर फेल स्टूडेंट आर एंड योर फुल मार्क स्टूडेंट आर। तो नाउ इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स मार्क्स में एरर क्यों आ रहा है, एम आर के एम आर के मुँह में क्या कह रहा है बिफोर स्कैन एरर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया हमने। 35 को मैं 5 कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कम हो जाएं और यहाँ एवरेज निकालने के लिए भी 5 कर देता हूँ। तो
बाय नाम किया, एवीजी डिक्लेयर नहीं किया हमने एवीजी को, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एवीजी भी डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, तो कंपाइलर रन अगेन, तो 5 मिनट के मार्क्स एंटर करते हैं। पहले के 34 हैं, दूसरे के 43, तीसरे के 43, चौथे के 32, पांचवें के 23, तो ये एवरेज 5, सॉरी बिलो, सारे बिलो 14, तो 5 के 5 फेल हैं एंड योर फुल मार्क्स स्टूडेंट्स आर 0, यानी फुल किसी ने भी नहीं लिया। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग करेगा। सो गाइस वी आर गोइंग टू गो फर्दर फॉर नेस्टिंग। So it is possible to include a loop statement inside the body of another loop statement. यानी loop के अंदर एक और loop का होना is called nesting. तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे syntax लिखा हुआ है, loop for loop है, उसकी initialization है, उसकी test expression है, उसकी iteration है, यानी increment है, और उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप है जिसकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी अपनी बॉडी है, जिसकी अपनी कंडीशन है एंड सो ऑन। और ये आउटर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये वाली आउटर लूप में आती है और ये इनर लूप में आती है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं कि नेस्टिंग की ज़रूरत हमें कैसे पड़ती है। तो जैसे कि ये मेरे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या करना है कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स एक काम करवाना है, लेकिन हर दफ़ा जब वो काम करना है तो उसके इंटरनल कुछ काम हैं वो भी करने हैं। जैसे कि एक काम है जिसको 1 टाइम करना है तो जस्ट 1 टाइम ही करना है, लेकिन जब सेकंड टाइम करना है तो 2 दफ़ा करना है, कुछ और काम है उसको भी करना है। तो थर्ड टाइम जब करना है तो 3 दफ़ा करना है, 4 टाइम करना है जब तो 4 दफ़ा करना है, और जब 5 टाइम्स करना है तो 5 टाइम्स करेंगे इसको। तो हमें ये शेप बनानी है स्टार्स वाली अपने कोड के अंदर। तो हम ऐसा करते हैं, हम कोड में जाते हैं। तो कोड में जाने के लिए हम डेव ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास डेव है, हम इसकी ये जो हमने इनसाइड ब्लॉक बनाया था इसको रिमूव कर देते हैं कोड को, और अब हमें वो स्टार्स चाहिए। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे जो कि 5 टाइम चलेगा। तो इसमें इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जिसमें 1 शो कर दिया, और एक्स जब तक लेस देन रहेगा ये कुल रहेगा 5 के तब तक लूप चलेगा, और एक्स प्लस प्लस करेंगे और इसकी बॉडी। अब हम चाह रहे हैं कि 5 टाइम्स काम हो, लेकिन हर दफ़ा जब काम हो तो नंबर ऑफ टाइम्स चेंज होते रहेंगे। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लूप के अंदर एक और लूप लगाएंगे फॉर, उसमें इंटीजर टाइप का वाई वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं जिसमें इनिशियली वैल्यू रख देते हैं 1 रख देते हैं, और फिर वाई जब तक लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा आई के, सॉरी एक्स के, तब तक लूप चलेगा इनर, और वाई प्लस प्लस करेंगे। और इसकी इनसाइड बॉडी में हम एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लेंगे जो कि स्टार को प्रिंट करेगी। अब होगा क्या कि इसमें एक्सेप्ट वेरिएबल जिसमें 1 स्टोर है, जब 1 टाइम लूप चलेगा तो कंडीशन चेक होगी, तो 1 इज लेस देन 5 तो कंट्रोल इनसाइड चला जाएगा। इंटीजर आपका वाई वेरिएबल लिया और वाई वेरिएबल में 1 स्टोर कर लिया, और वाई जब तक छोटा रहेगा ये इक्वल रहेगा एक्स के तब तक लूप चलेगा। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर वाई इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन, तो कंडीशन रॉन्ग होगी। कंडीशन रॉन्ग होने के बाद जब हम वापस से इसके इंक्रीमेंट पे जाएंगे, क्योंकि बॉडी तो एग्जीक्यूट होगी, बॉडी में एक और लूप था वो अकेला बात है, तो यहाँ कंट्रोल चला गया, एक्स प्लस प्लस हो गया, एक्स में 2 आ गया, तो 2 इज लेस देन 5, तो कंट्रोल इनसाइड चला जाएगा। और वाई की डिक्लेरेशन दोबारा चेक होगी, यानी पता चला कि जब भी हम आउटर लूप के थ्रू इनर पे आते हैं तो इनर की इनिशियलाइजेशन दोबारा चेक होती है, और वाई फिर से 1 हो गया, यानी अब 1 टाइम भी लूप चलेगा और 2 टाइम भी चलेगा, यानी 2 टाइम चलेगा टोटल, और 2 स्टार प्रिंट होंगे। फिर नेक्स्ट दोबारा लूप चलेगा, और हर दफ़ा ये इसी तरह 5 टाइम्स लूप चलेगा, लेकिन जब 1 टाइम चल रहा होगा तो 1 टाइम इनर लूप चलेगा,
जब आउटर लूप सेकंड टाइम चल रहा होगा तो इनर लूप दो दफा चलेगा, जब आउटर लूप तीसरी दफा चल रहा होगा तो ये इनर लूप तीन दफा चलेगा और तीन स्टार प्रिंट होंगे, जब आउटर लूप चौथी दफा चल रहा होगा इनर लूप चार दफा चलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू साथ साथ बढ़ रही है ना, तो वाई की वैल्यू दोबारा हर दफा जब लूप चलता है इनर तो वन हो जाती है, तो वन से लेकर टू तक दो दफा, वन से लेकर थ्री टाइम्स तो तीन दफा, तो इस तरह ये फाइव टाइम चलेगा। आउटर लूप जैसे क्लोज होगा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, और हम चाहे चाह रहे हैं कि हर दफा जब इनर लूप ऑपरेट हो तो एक नई लाइन भी आ जाए साथ, तो प्रिंट एफ यहाँ पे एक नई लाइन ले लेते हैं बैक स्लैश एन। अब इसको कंपाइलर रन करवा के देखते हैं, कंपाइलर रन किया तो यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे मुझे यहाँ प्रिंट एफ लिखना है, तो प्रिंट एफ कंपाइलर रन किया तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में आ रहा है दैट्स इट आई थिंक, सो वी फाइंड इट, मुझे स्टार्स मिल गए। तो ये मेरे पास, मैंने प्रोग्राम को सेटिस्फाई करवाया, यानी ये बेसिकली कोई कंडीशन जो हमारे पास थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमारे पास ये एक कंडीशन है, इसको भी सेटिस्फाई करवाना है, तो इसमें हमें थोड़ा क्रिटिकली समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है वो इस साइड से होती है, लेकिन ये स्टार यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। यहाँ तक इसको पहुँचाने के लिए हमें तीन लूप लगाने पड़ेंगे। पहला लूप जो चलेगा सबसे आउटर, वो नंबर ऑफ लाइंस को डील करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम आउटर लूप नंबर ऑफ लाइंस को डील करने के लिए बनाते थे, और हर लाइन में नंबर ऑफ आइटरेशंस को डील करने के लिए इनर लूप लगाते थे। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें एक आउटर लूप लगाना पड़ेगा जो 1 2 3 4 5 यानी नंबर ऑफ लाइंस को डील करे, और एक लूप लगाना पड़ेगा जो यहाँ पे स्पेसेस को ले, ये वाली स्पेसेस जो यहाँ पे हैं, और एक लूप और लगाना पड़ेगा इनर में जो स्टार्स को डील करेगा। तो लेट्स मेक इट, मैं यहाँ पे कोडिंग में वापस आता हूँ और इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें ही चेंजिंग कर लेते हैं, लेट्स इसमें मुझे यहाँ पे एक्स वेरिएबल में वन शो कर दिया और ये फाइव टाइम चलेगा, यानी ऑब्वियसली ये पांच दफा ही चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे मैं क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो मुझे ये जो स्टेटमेंट है इनर वाली, यानी मेरे पास जो इनर में ये कंडीशन है, हम क्या करेंगे वाई में से 5 माइनस आई कर देते हैं, यहाँ पे 5 माइनस आई यानी एक्स लिखेंगे, तो 5 माइनस एक्स लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि जब आउटर लूप चलेगा तो वन टाइम आउटर लूप चला, तो जब वन टाइम चला तो कंट्रोल इनसाइड आया वाई इक्वल टू वन, और वाई जब तक लेस देन नहीं रहेगा इक्वल रहेगा 5 माइनस आई के, तब तक लूप चलेगा, और वाई प्लस प्लस। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और लूप लगे, अब यहाँ पे जो स्टार है वो स्टार नहीं, मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, और दूसरा एक और लूप लगाते हैं। इस लूप में काम किस तरह से होगा कि इस लूप में हम स्टार को डील करेंगे, बेसिकली ऊपर वाले लूप में हम स्पेस को डील कर रहे थे, तो यहाँ हम स्टार को डील करने के लिए एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का जे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसमें वन शो कर दिया, और जे जब तक लेस देन रहे या इक्वल रहे आई के, तब तक लूप चलेगा, और जे प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे इसकी बॉडी में मैं बेसिकली प्रिंट एफ और स्टार रखना चाहता हूँ, और इसको क्लोज कर दिया। अब ये लूप की वर्किंग किस तरह से होगी कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नीचे टाइप का एक्स वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसमें वन स्टोर हो जाएगा, और वन इज लेस देन फाइव तो कंट्रोल अंदर चला जाएगा यहाँ पे, और इंटीजर टाइप का वाई डिक्लेयर होगा, वाई में वन स्टोर है और वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब एक्स में क्या स्टोर है, एक्स में वन स्टोर है, तो ऑब्वियसली 5 माइनस 1 करें तो 4 बचता है, तो ये लूप इनर 4 टाइम चलेगा। 4 टाइम चलने के बाद ये चार स्पेसेस को प्रिंट कर देगा जो कि हमें पहली लाइन में चाहिए, यानी यहाँ पे हमें 1 2 3 4 4 फोर टाइम्स स्पेस चाहिए और पांचवी दफा स्टार चाहिए, तो ये 4 टाइम्स चल के स्पेसेस को प्रिंट कर देगा। कंट्रोल फिर यहाँ आ जाएगा, और ये लूप क्या करेगा,
जे में वन स्टोर है और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई में क्या स्टोर है, वन, तो ये वन टाइम चलेगा और एक स्टार प्रिंट कर देगा। यानी इस लूप ने क्या किया, चार स्पेशल प्रिंट कर दी और इस लूप ने क्या किया, इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। और ये लूप ने क्या किया, सॉरी ये आउटर स्टेटमेंट है, इसने नई लाइन प्रिंट कर दी और कंट्रोल फिर से यहाँ चला गया एक्स प्लस प्लस पे, एक्स टू हो गया। तो जब कंट्रोल फिर इनर आया तो वाई फिर वन हो गया, और वाई जब तक लेस देन रहे इक्वल रहे फाइव माइनस एक्स के, एक्स में क्या स्टोर है, टू, तो फाइव माइनस टू थ्री आ गया। तो ये अब थ्री टाइम चलेगा और थ्री स्पेसेस लेगा, इसी तरह ये फिर टू स्पेसेस लेगा, फिर वन स्पेस लेगा और फिर जीरो स्पेस लेगा। इसी तरह ये पहले वन स्टार इसने प्रिंट किया, फिर टू स्टार प्रिंट करेगा, फिर थ्री, फिर फोर एंड फिर फाइव, और ये फिर इसी तरह टर्मिनेशन हो जाएगी। इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। अब इसमें एरर क्या आ रहा है कि वो कह रहा है आई इज नॉट, सॉरी यहाँ पे आई नहीं, हमें यहाँ पे एक्स कहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आउटर लूप में एक्स है। सो कंपाइल एंड रन, यहाँ पे फिर वो एरर शो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंट एक्स आएगा यहाँ पे। सो कंपाइल एंड रन, सो आई थिंक सो आई गॉट माई स्टेटमेंट, सो आई गॉट माई स्टेटमेंट। तो अब इसने वही मेरे पास ये बना दिया जो मैं चाह रहा था। तो ये हमारे पास थी नेस्टिंग, हमने नेस्टिंग भी देखी, इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखी। यानी इस पूरी वीडियो में हमने फॉर लूप को देखा, फॉर लूप की वर्किंग को देखा, और उसके बाद हमने नेस्टिंग को देखा, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को देखा कि हम किस तरह से लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं, और जितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतनी कम्प्लेक्स नेस्टिंग होगी। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।